वेलकम टू माय चैनल द कुक हाउस। तो आज बनाएंगे हम पनीर भुर्जी। उसके लिए ले लिया हमने ये 500 ग्राम पनीर, ले ली 4 हरी मिर्च, 2 टमाटर मीडियम साइज के काट कर ले लिया, ले ली कुछ काली मिर्च और लौंग, एक स्पून लिया हमने अदरक क्रश करके, ये हरा धनिया ले लिया हमने काट करके। तो हमने यहाँ रख दिया गर्म करने के लिए कढ़ाई, उसमें ऐड कर देंगे हम 1 स्पून घी। कैसा आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसमें बना सकते हैं, तो मैं यहाँ घी में बना रही हूँ। ऑयल घी हो गया गरम, तो उसमें ऐड कर देंगे हम काली मिर्च और लौंग और 1 इलायची, और ले रहे हैं हम टमाटर, हरी मिर्च, तो इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, जिससे कि हमारे टमाटर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 1 काली मिर्च पाउडर 1 स्पून। अब तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं गाइस। तो इसमें ऐड कर देंगे हम अदरक क्रश करके जो रखी थी हमने, अभी इसे भी मैं भून लेंगे थोड़ी देर के लिए इस तरीके से। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 2 चम्मच अब दूध की उतरी हुई मलाई। गाइस ये जरूर ऑप्शनल है, इसको ज़रूर ऐड करें आप, गाइस काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। तो यह हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी हमारी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, बढ़िया से मसाला पक गया हमारा। तो अब ऐड कर लेंगे हम इसमें अपना पनीर कद्दूकस करा हुआ, कर लेंगे मिक्स इस तरीके से हल्के हाथों से। तो अब ले रहे हैं इसमें कसूरी मेथी। गैस बहुत काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है इसका, तो आप इसको इस तरीके से ऐड कर दें प्रेस करके। इसमें ऐड करेंगे हम ताज़ा हरा धनिया कटा हुआ फ्रेश। वाह कितनी टेस्टी सी बनी है हमारी। आप फ्रेंड जो भी मसाले नहीं खाते आप वो स्किप कर दें, और देखिए इस तरीके से बना करके तैयार कर ले, काफ़ी टेस्टी बनती है भारत की भुजिया। आलू खा के तो हम बहुत बोर हो जाते हैं, तो कभी इस तरीके से भी रेसिपी को ट्राई करें भी आलू भुजी की या पनीर भुजी। तो फ्रेंड्स हमारी अब पनीर भुजी बनकर तैयार है। कर देंगे हम गैस को बंद, करीब 5 मिनट मैंने इसे और पका लिया था, तो आप इस तरीके से थोड़ी सी और पका लें। तो करते हैं गैस को ऑफ, तो करते हैं प्लेटिंग। तो गैस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जैसे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और इस तरीके से आप लोग बनाए पनीर भुर्जी। तो देखिए गाइस इस तरीके से कर लेंगे हम प्लेटिंग की तैयारी। वाह गाइस आपको कैसे यकीन दिलाएं, बहुत टेस्टी बनी है, तो आप लोग इस रेसिपी जरूर एक बार ट्राई करना और कमेंट में बताना कैसी बनी है बिल्कुल भी इस तरीके से। तो गार्निश कर देंगे हम कुछ पनीर से जो ग्रेट करके हमने थोड़ा सा रख रखा था, और लेंगे कुछ हरे धनिया पत्ती। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो फुल वीडियो देखें पूरा, इसके बिल्कुल ना करें, और आप नहीं देखोगे तो आपकी रेसिपी थोड़ी अच्छी नहीं बन पाएगी, इसलिए पूरा वॉच करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।